श्री योगी आदित्यनाथ ने महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों में कार्रवाई को लेकर सख्ती दिखाई है। महिलाओं और बालिकाओं को खुद की सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति शुरू किया गया है। इसी के तहत थानों में महिला हेल्प डेस्क खोलने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, डीएम शेषमणि पांडेय, पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के सभी थानों में मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई, ताकि थाने आने वाली महिलाएं अपनी बात महिला पुलिसकर्मी को बेहिचक बता सकें। मुख्यमंत्री जी ने महिला हेल्प डेस्क का आज पूरे प्रदेश के जो हमारे 1535 थाने हैं उनमें एक साथ उनका शुभारंभ किया है। हमारी जो बहनें हैं उनके साथ सम्मान का व्यवहार हो, उनको सुरक्षा मिले, उनका स्वावलंबन हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी 23 विभागों को निर्देशित किया है। साथ ही जो विभिन्न स्तरों पर हमारी महिला जनप्रतिनिधि हैं, 7 दिनों से क्या अभियान उपेक्षा मिशन शक्ति के रूप में चल रहा है, जो कि आने वाले 180 दिन तक चलेगा, अगले नवरात्रि तक चलेगा। इसी के क्रम में जो है वो अलग अलग कार्यक्रम नियोजित किए गए हैं। आज इसी के क्रम में 1535 जो प्रदेश के थाने हैं सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का संचालन किया गया है। महिला हेल्प डेस्क के संचालन में जो शासन की और पुलिस हेडक्वार्टर की मंशा है बहुत स्पष्ट है कि महिला हेल्प डेस्क पर 24 घंटे महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। हमारे यहाँ हम लोग कोतवाली कर्मी में खड़े हैं, आप लोग देख रहे हैं कि महिला हेल्प डेस्क का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। महिला आप गाँव वगैरह में जाइए, शहरों में तो लोग थाना आना आसान उनको लगता है, लेकिन गांव में आज भी थाने के नाम पे उनको सिपाही देके भी डर लगता है। तो जब महिला सिपाही को देखेंगे तो वो अपनी बातें कह सकेंगी, जो उनके साथ यदि उत्पीड़न हुआ है उसके बारे में वो आसानी से कह पाएंगी। वो एक पुरुष के साथ वो अपनी आसानी से बातें नहीं कह पाती है, तो इससे नो डाउट बहुत फ़ायदा मिलेगा। लोगों को जो समस्याएँ अपनी बात यहाँ कहेंगे। जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।